All right. Good morning, students. So even though we have already started this topic, but because you were attending online classes and you are saying that you have not been able to understand it, though I am sure that you have not heard it, okay? But still, I am repeating it. Understand 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 मार्केट का इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पर जिस मार्केट की हम बात करें, इकोनॉमिक्स में हम हमेशा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट की बात करते हैं, तो उस मार्केट की मार्केट में प्रोडक्ट की जो मार्केट डिमांड है वो मार्केट सप्लाई के इक्वल है. मार्केट इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम वेयर मार्केट डिमांड ऑफ ए कमोडिटी is equal to market supply of a commodity at a particular price. ठीक है, let us take the case of commodity X. ये commodity X का price है, ये उसका demand schedule है. पता है ना आपको demand schedule क्या होता है? क्या बताता है demand schedule? Quantities demanded by all the individuals in the market at various prices. यानी अगर 5 रुपए प्राइस है प्रोडक्ट का, तो उस केस में 10 units लोग ले सकते हैं और लेने को तैयार हैं. यानी 10 units की डिमांड है. अगर इसका प्राइस कम हो जाएगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी. This is the demand schedule. What does it show? Inverse relationship between price and quantity demanded. Now, supply schedule. It shows quantities supplied by all the sellers in the market at various prices. Suppose करो हम जिस X की बात कर रहे हैं उसके ये sellers हैं. ठीक है, ये 2 रोज हैं, इसके सेलर्स हैं. तो ये सब मिलके कहते हैं अगर 5 रुपए का ये एक्स बेचते हो तो हम सब 50 units बेचने को तैयार हैं. तो मार्केट सप्लाई कितनी हो गई? 50 units एट ₹5. अब अगर प्राइस कम हो जाता है, सम ऑफ देम विल लीव, दे विल से दैट यस वी आर, यस बच्चे बी अटेंटिव, some of them will leave, they will say we are not interested in selling at this particular price, so supply will fall to say 40 units. So this is our supply schedule, right, which shows positive relationship between price and quantity supplied. All right, so where the market of commodity X is said to be in equilibrium at price rupees, because here market demand is equal to market supply. What these sellers are ready to, sabko mil gaya bachche, haan, what these sellers are ready to sell is equal to what the buyers are ready to buy. What if market price exceeds equilibrium price, अगर market में जो price है X का वो 3 रुपए से ज्यादा हो जाता है, तब क्या होगा? और अगर market price equilibrium price से कम हो जाता है तब क्या होगा? दोनों situations हम समझते हैं. अगर market price इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा हो गया, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस? 3 रुपीज. इफ मार्केट प्राइस इज ₹5, व्हाट विल हैपन एट दिस प्राइस? हाउ मच इज डिमांड, हाउ मच इज सप्लाई? सप्लाई इज मच मोर देन डिमांड. दिस सिचुएशन वेयर सप्लाई एक्सीड्स डिमांड इज नोन एज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. जो चीज एक्सेस में है
वो वाली ये प्रॉब्लम हो गई। यहां पर क्या एक्सेस में है? सप्लाई। तो जब एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होगी, देयर विल अराइज कॉम्पिटिशन अमंग सेलर्स। सेलर्स कंपीट करेंगे हमारा प्रोडक्ट बिक जाए, ये कोशिश करेंगे। उसके अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो क्या करेंगे? प्राइसेस को कम करेंगे। व्हेन प्राइसेस फॉल से फ्रॉम 5 to 4 rupees, व्हाट हैपेंस टू द डिमांड? डिमांड एक्सपेंड्स एंड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टिल देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। 40 दे आर रेडी टू सेल, 20 दे आर रेडी टू बाय। अगेन कॉम्पिटिशन विल कंटिन्यू अमंगस्ट सेलर्स। यस, अगेन इट विल लीड टू फॉल इन प्राइस। नाउ प्राइस फॉल्स फ्रॉम 4 to 3 rupees। विद फॉल इन प्राइस डिमांड इंक्रीज बोल रहे हैं, एक्सपेंड्स एंड सप्लाई टिल डिमांड बिकम्स इक्वल टू सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। यानी अगर मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा रख लोगे, मतलब ये एक्स कमोडिटी है, इसका इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट में 3 rupees डिसाइड हुआ, लेकिन आप लोग कहते हो हमने तो 5 पर ही बेचना है, तो अगर आप ऐसी जिद करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। मार्केट फोर्सेस एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे और अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम दोबारा से आ जाएगा 3 rupees पर ही। गॉट इट? देन अगर मार्केट प्राइस 1 rupee हो जाता है तो उस केस में क्या होगा? हाउ मच इज डिमांड, हाउ मच इज सप्लाई? तो कौन सी सिचुएशन हुई? Here there is the situation of excess demand. This will lead to competition among buyers. Demand ज्यादा है, supply कम है, तो buyers अब लड़ेंगे आपस में कि हमें product दे दो। Competition होगा, उस competition से क्या होगा? Prices will rise. जब prices rise करेंगे तो demand कम हो रही है। इंग्लिश में क्या बोलना है? डिक्रीज नहीं बोलना, क्या बोलना है? कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सप्लाई। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल डिमांड बिकम्स इक्वल टू सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। फ्रॉम दिस टेबल यू कैन मेक 3 questions। जितना अभी मैंने डिस्कस किया इससे 3 questions बने। व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस? हाउ इज इट डिटरमाइंड? एक्सप्लेन यूजिंग शेड्यूल या डायग्राम, वो भी अभी करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वॉट इज इक्विलिब्रियम प्राइस? वॉट हैपन्स इफ मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस? यस। थर्ड क्वेश्चन, वॉट हैपन्स इफ मार्केट प्राइस इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस? एक्सप्लेन यूजिंग शेड्यूल और डायग्राम। समझ में आ गया? 3 questions बन गए। अब ये शेड्यूल है, इसी को हम डायग्राम से शो करते हैं, क्योंकि आगे हमने जितनी भी एक्सप्लेनेशन करनी है वो डायग्राम से करनी है। सो जब भी इक्विलिब्रियम का डायग्राम आता है उसको हम क्रॉस डायग्राम कहते हैं। और क्योंकि ये चैप्टर करने के बाद बच्चों को आदत पड़ जाती है, वो क्या करते हैं, सप्लाई का भी क्वेश्चन आता है, डिमांड का भी क्वेश्चन आता है, उसमें क्रॉस बना देते हैं। बेटे अगर सप्लाई का क्वेश्चन है, सिर्फ सप्लाई कर्व बनना है, डिमांड तो चलो टर्म 1 में खत्म हम छोड़ आए हैं, ठीक है। क्रॉस कब बनाना है? जब क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम वर्ड है। दिमाग में बिठा लो ये बात, अगर क्वेश्चन में वर्ड इक्विलिब्रियम यूज है ओनली देन ये क्रॉस बनना है। अगर इक्विलिब्रियम वर्ड क्वेश्चन में नहीं है तो क्रॉस डायग्राम नहीं बनना। गॉट इट? ओके, द सेम explanation, what is equilibrium price, how is it determined, we will be discussing it with the help of curves. So on y axis we are taking price and on x axis we are taking quantity. This is cross demand curve, negatively slope,
supply curve positively sloped. They intersect each other at point. So market is in equilibrium at point E. Corresponding to E, OM is the equilibrium quantity and OP is the equilibrium price. ठीक है, what if price is market price is OP1? What will happen if market price is OP1? तो उसके लिए यहां पे एक लाइन खींच लेंगे, पूरी साथ साथ ड्रॉ करो, किया हुआ है ना, दोबारा हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैंने भी टीच किया हुआ है. At OP1, how much is demand? How much is demand? A1 क्या है? What is A1? एक सिंगल वैल्यू डायग्राम में कुछ नहीं बताती होती, डिस्टेंस बताता होता है. क्या P1? A1. How much is the supply? फिर B1. B1 है. What is B1? B1? It is P1, B1. So this is supply. ये distance supply का है, ये demand का है. किसका distance ज्यादा है? Supply का. Demand से कितना ज्यादा है? To the extent of A1, B1. So this is the situation of excess supply. What will happen in the situation of excess supply? Competition among sellers will lead to fall in price. Fall in price leads to expansion of demand, contraction of supply. कोई भी curve है बेटे, उसकी expansion हमेशा फॉरवर्ड एरो से शो होती है, कॉन्ट्रैक्शन बैकवर्ड एरो से शो होती है. तो देख लो यहां पे, ये फॉरवर्ड एरो है ना, डिमांड कर्व के ऊपर है. व्हाट डज इट शो? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. ये बैकवर्ड एरो है, सप्लाई के ऊपर है. व्हाट डज इट शो? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल डिमांड बिकम्स इक्वल टू सप्लाई. And equilibrium is restored at point E. बनाया सबने यहां तक? What happens if market price is OP2, which is below equilibrium price? Draw करो. At OP2, फिर यहां पे दोनों curves पे जहां पे intersect कर रहे हैं, एक पे पॉइंट ए टू लिख दो, दूसरे पे पॉइंट बी टू लिख दो. अब बताओ हाउ मच इज सप्लाई एट ओपी टू? प्राइस सप्लाई इज पी टू ए टू. एंड हाउ मच इज डिमांड? पी टू बी टू. हेयर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई बाय दिस अमाउंट. सो ए टू बी टू will be referred to as the situation of excess demand. What happens in excess demand? Competition among buyers will lead to rise in price. जब मैंने rise in price बोला, आपने upward arrow show कर दी. Rise in price. अब देखो दोनों तरफ अपवर्ड ऐसे मैंने एरो बना दी. ये सप्लाई है, फॉरवर्ड एरो है. फॉरवर्ड क्या शो करता है? एक्सपेंशन. तो फॉरवर्ड एरो ऑन सप्लाई कर्व शोस एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. राइज इन प्राइस लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. एंड ये बैकवर्ड एरो है, डिमांड के ऊपर है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. बेटे समझ में आया? डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी. डिमांड कम होने लग गई, सप्लाई
ये इम्बैलेंस है। आप सब्जी ले रहे हो, एक तरफ वेट डाले, एक तरफ सब्जी है, ये सब्जी है, ये ज्यादा है, बैलेंस करना है ना। कैसे करोगे? इधर से सब्जी कम करते जाओगे, इधर वेट ज्यादा डालते जाओ, बैलेंस हो जाएगा। यहां पर भी डिसइक्विलिब्रियम है, इसको बैलेंस, क्या डिसइक्विलिब्रियम है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो डिमांड कम होती गई, सप्लाई बढ़ती गई। ये कब तक चलेगा प्रोसेस? जब तक बैलेंस ना हो जाए, डिमांड सप्लाई के बराबर ना हो जाए। गॉट इट? ठीक। अब एक क्वेश्चन ये हो गया, हाउ इज इक्विली, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, हाउ इज इट डिटरमाइंड? डिटरमाइंड में ये दोनों केसेस देने। अगर क्वेश्चन आए व्हाट हैपेंस इफ मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, तो उस केस में सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन देनी, ये ओपी वन वाली। पहले बता देना मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई, फिर ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ओएम इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एट प्राइस ओपी वन। नहीं, इफ मार्केट प्राइस इज हायर देन इक्विलिब्रियम प्राइस दैट इज ओपी वन। इन दिस केस डिमांड इज पी वन ए वन, सप्लाई इज पी वन बी वन। एज इज क्लियर, दिस लीड्स टू द सिचुएशन ऑफ विच विल लीड टू फॉल इन प्राइस, लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, दिस विल कंटिन्यू टिल डिमांड इज इक्वल टू एंड इक्विलिब्रियम इज अगेन ओपी, प्राइस विल बी एस्टैब्लिश्ड। अगर क्वेश्चन आए व्हाट हैपेंस इफ मार्केट प्राइस इज लेस, फिर ऊपर वाला नहीं देना, सिर्फ डायग्राम में ये वाला पार्ट। समझ में आ गया? क्लियर है? अब उसके बाद हमने किया था इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। यस, वो मैं अब डिस्कस कर रही हूं दोबारा से, पूरा पीरियड चला ही गया तो ये भी कर लो, लिखो, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ लिखो। इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड, करा हुआ है तो भी दोबारा करेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, ईपी लिख लिया करो, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो फिर बेटे, फिर बातें, आपने दोबारा डायग्राम बनाना है। हाँ जी, नेक्स्ट वाला भी आपने दोबारा बनाना है। ठीक है, नाउ सी, यहां पर वर्ड आया इक्विलिब्रियम, क्या लिखवाया मैंने हेडिंग, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड ऑन एंड इक्विलिब्रियम। तो वर्ड आया इक्विलिब्रियम, कौन सा डायग्राम बनेगा? क्रॉस। ठीक है, ओके। कभी भी आंसर डायग्राम से स्टार्ट नहीं करना। यही क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, तो इन दैट केस फर्स्टली यू विल एक्सप्लेन डिमांड में चेंज इन टू वेज, चेंजेस इन डिमांड बोला है ना, तो चेंज क्या हो सकता है? डिमांड चेंजेस इन टू वेज, वन इंक्रीज इन डिमांड, अनदर डिक्रीज इन डिमांड। व्हाट इज इंक्रीज इन डिमांड, कोई बता सकता है मेरे को? व्हेन डिमांड राइजेस एट सेम प्राइस, व्हेन मोर इज डिमांडेड एट सेम प्राइस, सिंपल, व्हेन मोर इज डिमांडेड एट सेम प्राइस इट इज रेफर टू एज इंक्रीज इन डिमांड। सो जब हम सेम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड करते हैं तो ऑब्वियसली ये जो चेंज आ रहा है ये प्राइस के करके नहीं आ रहा, तो किसके करके आ रहा है? ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कुड बी, आप पहले एक समोसा खाते थे 5 रुपए का था, अभी भी 5 रुपए का है, आप 2 समोसे खाते हो, क्यों? पॉकेट मनी बढ़ गई, आपके स्कूल के वर्किंग आवर्स बढ़ गए,
आपका टेस्ट, पहले आप पिज्जा और समोसा खाते थे, अब आपको पिज्जा नहीं अच्छा लगता, आप समोसा ज्यादा खाते हो, वाइस वर्सा कर लो, ठीक है, चेंज इन टेस्ट, ठीक है, पिज्जा महंगा हो गया तो समोसा ज्यादा खाना पड़ा, पिज्जा आप नहीं अफोर्ड कर सकते, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है, तो पता चल गया ना, कारण पता चल गए, जब डिमांड इंक्रीज होगी उसको शो कैसे करते हैं, डिमांड का शिफ्ट कर जाता है, सो लिखो, डिमांड चेंजेस इन टू वेज, वन इंक्रीज इन डिमांड, अनदर व्हेन डिमांड इंक्रीजेस डिमांड कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं लिखवाई थी, अब लिख लो साथ साथ, पहले डायग्राम बनाया ऊपर, इतना ही बनाओ, अभी लेबलिंग कर लो, मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई, बुलेट्स में लिखोगे बहुत इजी रहेगा लर्न करना, ऐसे मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई कॉरेस्पॉन्डिंग टू ई ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OM is the equilibrium quantity. Second bullet. With increase in demand, demand curve shifts towards right. Demand curve shifts towards right. D1 is the new demand curve. तो हम डिमांड कर्व बना लेते हैं ऊपर, आप चाहो तो ब्रोकन लाइन से बनाओ, चाहो तो ऐसे भी बना लो, अप टू यू. D1 is the new demand curve. यहां तक बना लिया सबने? अब एक इसकी दो explanations हैं, एक तो बिल्कुल सिंपल एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, मैं पहले दूसरी वाली एक्सप्लेनेशन करवा रही हूं, लिखो नेक्स्ट बुलेट डाल के, ये यहां तक कर लिया तो ओएमओपी एट ओपी, यहां लिखो विद इंक्रीज इन डिमांड एट प्राइस ओपी देयर एग्जिस्ट्स द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड इन द मार्केट एट ओपी देयर एग्जिस्ट्स द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड इन द मार्केट equal to EE2. क्या करना है, अपने डायग्राम पे जाओ, ई से ई टू तक लाइन खींच दो, ये कौन सी सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की, फिर नेक्स्ट बुलेट में लिखो ड्यू टू एक्सेस डिमांड there will be competition among buyers, hoga ke nahi, there will be competition among buyers, prices will fall, fir next bullet, with fall in prices, demand expands and supply contracts.
अब डायग्राम पे जाओ, देखो ये एक्सेस डिमांड है, तो बायर्स कंपीट करने लगेंगे आपस में, उससे प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, एरो डाल दिया, प्राइसेस बढ़ेंगे तो ये देखो डिमांड, बैकवर्ड एरो कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई फॉरवर्ड एरो एक्सपेंड। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक डिमांड बिकम्स इक्वल टू सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड एट पॉइंट E1। लिखो कहां तक लिखा, लास्ट क्या लिखा था, सप्लाई एक्सपेंड, ये लिख लिया था फुल स्टॉप। द प्रोसेस विल कंटिन्यू, द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल मार्केट डिमांड बिकम्स इक्वल टू मार्केट सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड एट पॉइंट E1। इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड एट पॉइंट E1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू E1। नेक्स्ट लाइन, कॉरेस्पॉन्डिंग टू E1 OM1 is the equilibrium quantity and OP1 is the equilibrium price. The last bullet, thus with increase in demand, thus with increase in demand equilibrium price, बेटे ऐसे लिख लिया करो, EP increases to OP1 and equilibrium quantity increases to OM1। ये अगर आपको ये 5 marks का question आए, पूरी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। अगर 3 marks में आए आप स्किप कर सकते हो। देखो कौन कौन सी लाइन स्किप कर सकते हो, जो मैं बोल रही हूं वही लिखनी है। मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई, हियर ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, ओएम इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। विद इंक्रीज इन प्राइस डिमांड कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट, D1 इज द न्यू डिमांड कर्व। उसके बाद बाकी सारा स्किप कर देंगे, सिंपली लिखेंगे D1 इंटरसेक्ट्स सप्लाई कर्व एट पॉइंट E1। बस कॉरेस्पॉन्डिंग टू E1 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OM1 एंड इक्विलिब्रियम प्राइस OP1। दस विद इंक्रीज इन डिमांड इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस टू OB1। वो चेन इफेक्ट्स थे, ये बिना चेन इफेक्ट्स के मैंने एक्सप्लेन, ठीक है। तो जैसे आपको सिंपल लगता है, पहली वाली एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आती है छोड़ दो, सेकंड वाली कर। क्वेश्चन ऐसा आएगा, लिख लो, मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, देयर इज इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर oblique increase in demand of the consumer. Explain the effect on equilibrium price and equilibrium quantity. Market is in equilibrium, full stop. There is increase in the income of the consumer or increase in demand of the consumer. Explain its effect on EP and EQ. अब देखो अगर क्वेश्चन आए, there is increase in income. जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, तो आपने आंसर में क्या लिखना है, increase in income of the consumer will lead to increase in demand of the consumer.
आप बताइए, ये डायग्राम इसकी एक्सप्लेनेशन। हाँ बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, मेरा पूरा पूरा ध्यान है, बोर्ड उनकी तरफ ही है। ऑल राइट, डिक्रीज इन डिमांड डायग्राम बनाओ। हाउ डिक्रीज इन डिमांड अफेक्ट्स इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। देखिए बनाइए डायग्राम। आप यहां नहीं बना रहे, घर बैठे क्या करते हो गए, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। सो इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ जो इतनी जल्दी यस मैम आ रहा है। राइट, इतना डायग्राम बनाइए, इक्विलिब्रियम क्रॉस डायग्राम। हो गया, डिमांड डिक्रीज हुई या इनकम डिक्रीज हुई या अनफेवरेबल टेस्ट आया, तो एज अ रिजल्ट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स न्यू डिमांड कर्व D1। इंटरसेक्ट सप्लाई कर्व एट E1, कॉरेस्पॉन्डिंग टू E1 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OM1 इक्विलिब्रियम प्राइस OP1। इसका मतलब डिक्रीज इन डिमांड का क्या इंपैक्ट पड़ा, इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हो गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई। ये OP1 सेट हो गया, ये OM1 सेट हो गया। डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ता है, डिमांड के डिक्रीज होने से इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हो जाता। अभी करेंटली विंटर्स चल जा रहे हैं, वुलन्स की डिमांड, एज अ रिजल्ट उनके प्राइसेस कम। आप जाओ मार्केट में आपको डिस्काउंट मिलेगा। यस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।